नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि आज 29 सितंबर से दोस्तों नवरात्रा प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या है उसका शुभ मुहूर्त, कब आपको करनी है घट यानी कलश की स्थापना, और क्या है कुछ खास समय उसका, क्या है कुछ जो मुहूर्त जो खास मुहूर्त है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और 29 सितंबर से लेकर जो नवरात्रा है वो 7 अक्टूबर तक चलेंगे, पूरा सब कुछ आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो एक इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको जो भी नवरात्रा की जानकारी है सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर मिलेगी, और आने वाले दिनों में जो नवरात्रा के उसमें खास जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में घंटी के निशान को जरूर दबा लेना दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं आपको, शारदीय नवरात्रा का 9 दिवसीय पर्व आज 29 सितंबर 2019 से शुरू हो गया है जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रा के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रा के मुख्य नवरात्रि कुंभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये नवरात्रि शरद ऋतु में अश्विनी शुक्ल पक्ष में शुरू होती है और पूरे 9 दिनों तक चलती है। माँ दुर्गा इस बार सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में हाथी पर सवार होकर रविवार को हमारे घर पधारेगी, फिर 9 दिन बाद घोड़े पर विदा होगी। दोस्त 29 सितंबर रविवार अश्विनी शुक्ल घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 29 सितंबर को काल कन्या लगन में 6:01 से लेकर 7:24 तक, और अगर मैं अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:33 से लेकर 12:20 तक घट स्थापना एवं देवी पूजन किया जा सकता है दोस्तों। ये थे जो 2 शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए दोस्तों। और भी नवरात्रा से संबंधित सभी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए आपको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय माँ अंबे गौरी।